जनपद के विकास कार्यों एवं सुरक्षा व कानून व्यवस्था की बैठक प्रभारी व सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, एसएसपी शलभ माथुर, सीएमओ डॉक्टर एस के तिवारी, एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहवाड़, एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में दो मुख्य बिंदु शामिल हैं, जिसमें एक विकास तथा दूसरा सुरक्षा। इन दोनों बिंदुओं पर सरकार बहुत ही संवेदनशील है, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सिंचाई विभाग की जिस भी भूमि पर अतिक्रमण हो उसको तत्काल हटवाया जाए। प्रभारी मंत्री के थाना समाधान दिवस को और मजबूत किए जाने, भ्रष्टाचार आदि के शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करने, आय जाति प्रमाण पत्रों में लगने वाले समय को और कम किए जाने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि दीपावली के दृष्टिगत पटाखों से होने वाली दुर्घटनाओं के मद्देनजर अस्पतालों में पूरी तैयारी करके रखें, सड़कों पर साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित हो। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि दीपावली में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया जाए। बैठक के पश्चात गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, जिस तरीके से ये जो विषय है, एजेंडा है, इस पर हम बात नहीं कर पाएंगे। अब करेंगे लेकिन बिंदु पर चर्चा किए लेते हैं। सरकार की प्राथमिकता के दो विषय हैं, एक विकास, दूसरी सुरक्षा। विकास जिलाधिकारी पांड्यन जी से जुड़ा है और सुरक्षा माथुर जी से जुड़ा है। आपने दिखाया है कि भू माफियाओं की संख्या एक भी नहीं। अभी सिंचाई विभाग की जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, सिंचाई विभाग भी आंखें बंद किए बढ़ रहे हैं। आप क्यों नहीं देखते हैं किसी की नहरों पर कब्जे हो रहे हैं, मकान लोग बना रहे हैं, क्या करते रहते हैं? भी अभी किस कौन था भी कौन अधिकारी थी जिसको मैंने कहा है हमें दिए? सिंचाई विभाग की जमीनों पर आप लोग मिलकर कब्जे करा रहे हो, मकान लोग निरंतर सूचनाएं मिल रही हैं, इसके बाद भी मकान बन रहे हैं, तो क्या माना जाना चाहिए? इसको सब हम दिखा लेंगे, तो ये इसका डिस्प्यूट होगा, जिस वजह से ही जाइए है, इसको दिखा लेंगे। तो दिखवाइए, आज तत्काल रुकवा दीजिए, इसको रुकवा लेंगे, इसको देख कर मीटिंग के बाद जाइए, पुलिस की जरूरत पड़े तो माथुर जी पुलिस दिखाइए और कड़ी कार्रवाई करिए। आपको सारी सुन लो, सारी चीज़ें चिन्हित करके जिलाधिकारी गोरखपुर को आप दे दीजिए और एक दिवाली और ये सब कार्यक्रम आपके संपन्न हो जाए, इसके बाद एक अभियान चलाकर ये जमीनों पर कब्जे हटवाने का काम करिए। वैसे हम लोग पहले नवंबर से अभियान सर चालू कराने वाले थे कि फसल तो कट जाएगी सर, साथ साथ जो कितने जगह हम लोग पैमाइश करना, पिछले बार भी याद होगा सर कुछ लोग बताए तो पैमाइश बाकी है, करंजा नाली चक्रोड निकल के साथ साथ इन लोग इंक्रोचमेंट भी कटवा देंगे सर। एक दिन कैसे देखेंगे सर, सारे विभाग शामिल है सर, टोटल हम लोग 11,100 सर वो शामिल करते हुए सर। गोरखपुर में दीपावली पर सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहेंगी, इसके लिए जिलाधिकारी और सचिव दोनों से वार्ता करके शहर को और ग्रामीण क्षेत्र को दीपावली पर 2400 घंटे बिजली मिले, यातायात के साधन सुलभ रहे, ट्रैफिक कंट्रोल में रहे, जाम से लोगों को निजात मिले, स्वच्छता पर पूरा ध्यान देने का काम किया गया, सफाई व्यवस्था भी ठीक ठाक रहे और सभी व्यवस्थाओं पर ध्यान देते हुए सारा सब सिस्टम चाक चौबंद करने को कहा है। नगर की सफाई भी के लिए भी डीएम को कहा है, वो स्वयं खड़े होकर अन्य जिलों अन्य विभागों के अधिकारियों को लेकर दौरा करेंगे और सफाई में जहाँ गंदगी होती है उसे दूर करने का काम किया जाएगा, सड़कों को भी साफ सुथरा रखा जाए,
ध्यान दिया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन चाक चौबंद रहे, उसके लिए कड़ाई से निर्देश दिया। कुछ भूमाफियाओं पे भी कार्रवाई की बात की गई है, कुछ भूमाफियाओं पे भी कार्रवाई की बात की गई है। हाँ, भूमाफियाओं पे कड़ी कार्रवाई की बात की है, और जो सिंचाई विभाग की जमीनों पर कुछ कब्जे हैं उनको छुड़वाने के लिए सख्त निर्देश दिए, और भूमाफियाओं को किसी भी हाल में बख्शा न जाए, ये कड़ाई से कहा।